इस वीडियो में हम कुछ मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे, उनका सॉल्यूशन भी जानेंगे। जैसे कि मिस्टेक नंबर एक, पानी पूरी तो नहीं बनती लेकिन उसकी जगह उसकी पापड़ी क्यों बन जाती है, इस बारे में बताऊंगी। मिस्टेक नंबर दो, पानी पूरी अक्सर इतनी ज़्यादा नरम क्यों हो जाती है, सौगी हो जाती है तुरंत ही, मतलब एक घंटे तक भी उसको क्रिस्पी रखना मुश्किल हो जाता है आपके लिए, जैसे ये बहुत नरम है। मिस्टेक नंबर तीन, पानी पूरी की जो ऊपर की लेयर है एक मोटी और एक पतली बनकर निकलती है। ये देखिए मोटी लेयर मेरे हाथ में है जिसको मैंने ये अलग किया। मिस्टेक नंबर चार, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो पूरी है ये एक साइड फूली है और एक साइड ये फूल नहीं पाई, तो आखिर ऐसा भी क्यों होता है। इसी तरह के कुछ मिस्टेक्स का सोल्यूशन मैंने इस वीडियो में आपके साथ क्लियर किया है। अगर आपने इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो आपको बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा आपको अभी मेरे हाथ में नजर आ रहा है। मतलब मेरे हाथ में जो पूरी आप देख रहे हो ये गुब्बारे की तरह फूली हुई है, मतलब एक्सट्रीम साइज तक आप पानी पूरी को कैसे फुला सकते हैं ये मैंने इस वीडियो में बताया है। तो मेरे वीडियो से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। पानी पूरी एक तो आप इतनी ज़्यादा कैसे फुला सकते हो, ये तो पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज़, क्रिस्पीनेस पानी पूरी की आपको मिलेगी बिल्कुल ऐसे। और तीसरी चीज़, पानी पूरी की जो दोनों लेयर है, ऊपर की लेयर नीचे की लेयर, दोनों एक समान बनेंगी, तो ये इस तरह का फ़ायदा आपका इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अब पानी पूरी की परफेक्ट पूरी बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है और उनका मेजरमेंट हम बिल्कुल ध्यान से करेंगे। जैसे इसे नापने के लिए आप कोई भी कटोरी, कोई ग्लास या कोई कप ले सकते हैं। मैंने यहाँ कटोरी ली है, सिंपल मेजरमेंट रखा है। एक कप मैंने यहाँ सूजी ली। सूजी लेते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि सूजी हम मोटी यूज़ करेंगे। एक कप जितनी मोटी सूजी मैंने यहाँ डाल दी। एक कप सूजी के लिए मैंने आधा कटोरी जितना गेहूं का आटा लिया है। आप चाहो तो इसमें मैदा यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इस रेसिपी में आपको सूजी यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ गेहूं का आटा यूज़ करना है, तो उसके लिए क्या तरीका है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन यहाँ ये समझ लीजिए कि इन दोनों चीज़ों को आपको ग्राम में नापने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्लास में नाप सकते हैं। एक ग्लास भर की सूजी लेनी है और आधा ग्लास भर के आपको आटा लेना है। आटा दबा दबा के मत डालिएगा, ऊपर ऊपर भरना है सिर्फ ग्लास को, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये दोनों चीज़ें ले ली। अब इसमें ना तो आपको सोडा डालना है, ना नमक डालना है, ना ही गर्म पानी। नॉर्मल पानी मटके में से निकालिए पानी को और इसे गूंथना स्टार्ट कीजिए। आपने देखा ही होगा कि उसी कटोरी में मैंने पानी भी लिया था। थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसमें ऐड करेंगे, संभाल के डालिएगा। पानी बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं होता है। और इसका जो डो हम लगा के तैयार करेंगे ये हमें सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मतलब जिस तरह से आप नॉर्मली पूरियाँ बनाने के लिए जो हम डो लगाते हैं ना, सब्जी के साथ जो पूरियाँ खाते हैं उसके लिए जो डो लगाया जाता है जिस तरह का, बिल्कुल उसी तरह का ये होना चाहिए। ज़्यादा सॉफ्ट ये हमें नहीं लगाना। और अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मसल के हल्का हम इसको चिकना बना लेंगे। 4-5 मिनट के लिए इसको आपको अच्छी तरह से मसलना है। सूजी और आटा एक दूसरे में अच्छा मिक्स होना ज़रूरी है, ये ज़रूर कीजिएगा, इसमें कंजूसी नहीं चलेगी। और अब रही बात, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसमें सूजी यूज़ नहीं करनी तो क्या किया जा सकता है। जब हम ये गेहूँ चक्की में से पीसते हैं, अगर हमने गेहूँ को कुछ इस तरह से पीसा जैसे कि मोटी सूजी होती है, तो इसमें आपको सूजी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। मोटी सूजी की तरह अगर ये गेहूँ पीसे जाए तो सिर्फ ये आटा आपको लगाना है पानी डाल के, यही तब भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। तो देख लिया आपने, मैंने इस प्रकार से इस आटे को मसल के अच्छा चिकना बना लिया है। और अब हम इसको ढककर गीले कपड़े से रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। तब तक हम तीखा और मीठा पानी बना के तैयार करते हैं। तीखा पानी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक मिक्सी जार लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप जितना धनिया। कप मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि समझना आसान हो जाता है, या फिर ये समझ लीजिए कि जितना भी धनिया इसमें यूज़ होगा जस्ट उसके एग्जैक्टली आधा आपने पुदीना यूज़ करना है। 1 कप धनिया डालने के बाद इसमें जाएगा आधा कप जितना पुदीना। और अब इसमें जाएगी कुछ हरी मिर्चें तीखेपन के लिए, और आपको तीखा पानी पसंद है तो और मिर्चें डाली जा सकती है। मैंने 3-4 मिर्चें डाल दी। अदरक जाएगा, आधे इंच अदरक को मैंने इस तरह से टुकड़ों में कट करके मैंने इसमें डाल दिया। सिर्फ ये 4 चीज़ें अभी इसमें हैं, इन्हें हमें पीस लेना है थोड़े पानी के साथ। मैंने इसे पीस लिया। अब इसमें मसाले जाएंगे इस पानी को फ्लेवर देने के लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जितना जीरा पाउडर, 1 चुटकी जितना हींग। हींग इसमें ऑप्शनल है, आपको नहीं पसंद आप स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच जितना चाट मसाला, नॉर्मल नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और 1/4 चम्मच जितना हम इसमें डाल रहे हैं काला नमक। अब इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच जितना नींबू का रस, और इसमें वापस से थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लेना है। मैंने इसको पीस लिया है और आपके पास ये जो आपका तीखा पानी का मिक्सचर है ये रेडी है। इसे छान लीजिए। और ये पानी में अभी आपको और थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा, इस पानी की कंसिस्टेंसी को पतला बनाना पड़ेगा। ये पानी बिल्कुल पतला होता है, तो इसमें 2-2.5 कप 3 कप पानी आप डाल सकते हैं। ये मैंने डाल दिया, कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रखिएगा। और फिर अब हम ये जो बर्तन है ये फ्रीज में रख देते हैं, ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा ठंडा पानी आपके पास रेडी रहे। इस समय आप इस पानी के टेस्ट को एक बार चक्कर ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ भी नमक, चाट मसाला कुछ आपको ऐड करना हो तो आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। अब हम इमली का पानी बना लेते हैं।
यहाँ इस पतीले में मैं डाली हूँ एक कप जितनी इमली और इसमें मैंने डाला है नॉर्मल पानी एक कप जितना ही। गैस को मैंने ऑन किया और इसको हम थोड़ा सा उबाल लेते हैं। एक उबाल आने तक ये गर्म हो चुका है, हम इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं। गैस मैंने बंद कर दिया है। ये गर्म पानी की वजह से इमली जो है ये सारी भीग जाएगी, इसका गूदा सारा अलग हो जाएगा। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स, इमली यहाँ पर हमारी भीग चुकी है। जब ये हाथ से छूने लायक ठंडा हो जाए, आप इसको छू पाओ, तब आपको इसको हाथ से रगड़ कर इसका जो ये सारा गूदा है ये अलग कर लेना है। ये मैंने अलग कर लिया। फिर अब हम ये जो इमली का पल्प है इसको छान लेंगे, क्योंकि इसमें बीज होते हैं, इमली के छिलके भी होते हैं, वो निकल जाएंगे। मैंने इसमें एक कप जितना गुड़ यहाँ डाल दिया है, एक कप गुड़ था, सॉरी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इसे फिर से हमने गैस के ऊपर रखा है ये पतीला, और इसको हम तब तक गर्म करेंगे जब तक कि ये जो गुड़ है ना ये पिघल कर इसका पानी नहीं बन जाता। इसको पका के गाढ़ा नहीं बनाना है, सिर्फ गुड़ पिघलने तक का इंतजार करेंगे। अब ये पानी भी हमारा यहाँ पर तैयार है। इस पानी को भी फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाली हूँ 1/4 चम्मच जितना लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच जितना जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच जितना काला नमक, इसमें नॉर्मल नमक डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, और फिर इसमें जाएगा 1/2 चम्मच जितना चाट मसाला। बस सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए। आप चाहो तो इस पानी को भी छान सकते हो। ये पानी भी जब थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब आप इसे फ्रिज में रखकर इसको भी ठंडा किया जा सकता है। तो आपके दोनों ही पानी बनकर एकदम तैयार है। अब हम बना लेते हैं हमारी पूरियाँ। 15 से 20 मिनट बाद इसको रेस्ट देने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाता है। मैंने इसको और थोड़ा मसलने के बाद इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। हम इसका एक पेड़ा बनाएंगे और फिर मैं इसको चकले के ऊपर रोल करूँगी। इसे रोल करने के लिए ना तो मुझे किसी सूखे आटे की ज़रूरत पड़ी, ना ही तेल की। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप सूखा आटा इस्तेमाल कीजिएगा, तेल नहीं। तो अब ये अच्छे से रोल हो चुका है। अब इसकी थिकनेस क्या रखी जाए ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। तो वीडियो में थिकनेस क्या है ये ठीक से समझ में नहीं आता, तो इसके लिए यहाँ देखिए मैंने एक कॉइन रखा है। 1 या 2 रुपये का कॉइन अगर आपने इस रोटी के लेवल में रखा तो दोनों की थिकनेस एक होती है। तो इस प्रकार से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या थिकनेस होगी। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने बहुत बार करके देखा है तभी मैं आपको इतना कन्फर्मली बता रही हूँ। इसकी ये थिकनेस बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपने इसे ज़रूरत से ज़्यादा पतला बेल दिया, पतली पूरियाँ आपने बनाई और फिर उनको तल के देखा, तो उसकी फुलकर पूरी नहीं बनेगी, उसकी पापड़ी बन जाती है। मतलब पापड़ी बनना कोई बुरी बात नहीं है, एक दो तो वैसी बननी ही चाहिए, बाद में वो खाने में अच्छी लगती हैं, लेकिन बनती क्यों है इसका कारण बता रही हूँ। इसके 2 कारण हो सकते हैं। तेल अगर एकदम ज़्यादा गर्म है तब ये पापड़ी बन जाती है, या फिर सबसे मेन कारण इसका यही है, अगर आपने इसको ज़रूरत से ज़्यादा पतला बेला तब ये फूलेगा ही नहीं, इसका पापड़ी ही बनेगा। ठीक है, अब और एक ज़रूरी पॉइंट दोस्तों, ये पूरियाँ बनाने के बाद इसे रखने के लिए आपको गीले कपड़े की ज़रूरत है, लेकिन कपड़ा कितना गीला होना चाहिए ये देखिए। ये गीला कपड़ा मैंने यहाँ रखा है कुछ इस प्रकार से गीला है कि मुझे नीचे का प्लेटफॉर्म अच्छे से नज़र आ रहा है। बहुत निचोड़ निचोड़ के इसका पानी नहीं सुखाना है, थोड़ा पानी इस कपड़े में होना चाहिए। गीला कपड़ा हमने यहाँ रखा। एक एक पूरी आप बनाते जाइए, यहाँ रखते जाइए, लेकिन इन पूरियों को ढकने के लिए सूखा कपड़ा, नीचे जो कपड़ा हमने बिछाया है वो गीला कपड़ा है, और इसके ऊपर जो पूरियों के ऊपर हम ढकेंगे वो सूखा कपड़ा होगा। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ये गीला कपड़ा इतना ज़रूरी क्यों है, इसकी क्या मदद हमें हो सकती है, ये मैं आपको जब हम पूरी तलेंगे तब ये पॉइंट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। आप चाहो तो छोटी छोटी सी लोइयां तोड़कर उन्हें अलग अलग से भी बेल सकते हो, लेकिन इनकी भी थिकनेस आपने बिल्कुल वैसे ही रखनी है जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया। लेकिन मुझे बड़ी रोटी बेलकर इसको इस प्रकार से काटना ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो यहाँ पर मैंने ये सारी पूरियाँ बना ली है, इन्हें ऊपर से मैंने सूखे कपड़े से ढका था। इन पानी पूरी को गीले कपड़े पर रखने की वजह से इनकी नीचे की साइड गीली नज़र आती है और ऊपर की सूखी, और यही हमें चाहिए। पानी पूरी वाले भैया लोगों को इतनी बातों का ध्यान इसलिए नहीं रखना पड़ता क्योंकि बहुत बड़े बर्नर पर, हाई फ्लेम पर, बड़ी कढ़ाइयों में फ्राइंग होती हैं, तो उनके लिए सारी चीज़ें बहुत कन्वीनियंट हो जाती हैं, लेकिन घर पर हमारे लिए वैसा रिजल्ट आना मुश्किल है। इसलिए एक एक टिप और एक एक बात मैंने आपको बिल्कुल ध्यान से बताई है। अब हम पूरियाँ तलना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि पूरियों को आखिर प्रॉपरली कैसे तला जाता है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पर मैंने तेल को बहुत अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है, ऑलमोस्ट तेल में से धुआं निकल रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने गीले कपड़े पर जो पूरी रखी थी उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, पहले आप ये मान लीजिए कि अगर आपने गीले कपड़े पर पूरियाँ रखी नहीं, नॉर्मल कपड़े पर रखी और पूरियों को तल के देखा, तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि पूरी फूलेगी तो सही, लेकिन वो ये इतनी नहीं फूल पाएगी जिसे हम कहते हैं ना कि बलून जैसी पूरी फूली है, ये आप नहीं कह सकोगे। फूलती है लेकिन कम फूलती है। और अब यहाँ दूसरी ओर देखिए, यहाँ देखिए फ्रेंड्स, गीली साइड अब तेज़ गर्म तेल में पहले जाएगी, जो साइड गीली है ये आपको तेल में डालनी है। जैसे ही आपने ये गीली साइड इस तेज़ गर्म तेल के कॉन्टैक्ट में आएगी, होगा ये कि इस साइड में जो मॉइस्चर है ये गर्म तेल के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से झट से इसके अंदर स्टीम तैयार होगी, पूरी के अंदर ये स्टीम बाहर निकलने की कोशिश करेगी और इस चक्कर में आपकी पूरी एकदम ज़्यादा बड़ी फूल करके तैयार होगी। तो ये टेक्निक इसके पीछे काम करती है। क्लियर? इसीलिए मैंने आपको इतनी क्लियरली बताया था कि आपको पूरी की एक साइड गीली ही आपको चाहिए जब आप घर में
छोटे अमाउंट में जब हम पानी पूरी बनाते हैं तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब रही बात कि पूरी जो है ये मतलब ऐसी क्यों बनती है कि इसकी जो एक परत है मोटी और एक परत पतली, ये बनने के दो कारण हैं। अगर आपने पूरी को थोड़ा सा मोटा बेला है, हल्का मोटा है, तब पूरी इस तरह से बनती है जैसे मैंने आपको यहाँ पे साइड में दिखाया है। और अगर आपका तेल बहुत अच्छे तरीके से गर्म नहीं है भी आपकी पूरी फूलेगी, लेकिन ये इतनी नहीं फूलेगी, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है। हमें क्या करना है, तेज़ गर्म तेल इसलिए करना पड़ता है क्योंकि पूरी के अंदर का सारा मॉइस्चर हम उड़ाना चाहते हैं। ये सारा मॉइस्चर जब पूरी के अंदर का उड़ जाएगा तभी तो आपकी पूरी क्रिस्पी रहेगी ना। अगर इसमें मॉइस्चर मौजूद रहा तो पूरी थोड़ी देर बाद सॉफ्ट हो जाती है। सिंपल है कि पूरिया मैं आपको बना के बता रही हूँ, आखिर में तो सारी कढ़ाई की हालत ख़राब हो जाती है, सारी कढ़ाई ख़राब हो जाती है, बाद में तो ये कढ़ाई बहुत रगड़ रगड़ के धोनी पड़ती है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन पूरिया तो हमारी बहुत बढ़िया बनी है। और अगर आप इस टेक्निक से पूरिया तलेंगे तो दोनों साइड पूरी की इक्वल बनती है, एक मोटी एक बारीक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और पूरी तलने में ना कुछ ही सेकेंड्स लगते हैं, झट से पूरी तल के हो जाती है। हल्का सा जल्दी जल्दी इसके अंदर चम्मच घुमाना है, पूरी को दोनों तरफ से कलर आ जाता है, पूरी को निकाल लेना है। एकदम सिंपल आलू मसाला बनाने के लिए उबले हुए आलू के अंदर मैंने यहाँ पर ये आधा चम्मच जितना चाट मसाला, एक चौथाई चम्मच जितना मैंने यहाँ पर ये काला नमक डाल दिया और आधा चम्मच जितना लाल मिर्च का पाउडर इसमें हम डाल देंगे और थोड़ा सा नॉर्मल नमक हम इसमें स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और बस आपका आलू मसाला तैयार है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। हमारी वीडियो की समरी के तौर पर मैं सिर्फ आपको तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से बताना चाहूँगी। एक, पूरी की थिकनेस, दूसरा तेल का एकदम सही से गर्म होना, और तीसरा पूरी की एक साइड गीली होना, तब आपके पास बलून जैसी फूली फूली पूरियाँ तैयार होंगी। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, एक पॉइंट बताना रह गया, इन पूरियों को किसी भी चीज़ से ढकना नहीं है। जब पूरियाँ सारी बन जाएंगी तो ऐसे ही खुली हवा में रख दीजिए, कूलर फ़ैन या पंखे के नीचे नहीं। पूरियाँ जैसे ही और थोड़ी सी ठंडी होंगी, उनको हवा लगेगी बाहर की, तो एकदम करारी पूरियाँ बनके तैयार होंगी आपकी। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिएगा, रेसिपी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।